राजधानी लखनऊ में उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने पार्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर अदाए अवध कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में कला और प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कथक संस्थान की सचिव सरिता श्रीवास्तव और KGMU स्टूडेंट वेलफेयर के डीन प्रोफेसर RN श्रीवास्तव रहे। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर रूपाली श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण डांस, सिंगिंग और फैशन वॉक रहे, जिसके तहत मिस अदाए अवध का चुनाव किया गया। इसके अलावा प्रतियोगिता की एक कड़ी गोल्डन ग्लोरी भी रही, जिसमें 50 साल से ऊपर आयु की महिलाओं को तरह तरह की प्रतिभाओं को उजागर करने का मंच दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नंदिनी खरे ने गणेश वंदना से की और रैंप वॉक में महिलाओं ने अपना जलवा बिखेरा। इस मौके पर रोहित गुप्ता, मंजुलिका अस्थाना, लकी सरीन, मोनिका सिंह, प्रीति प्रवीण, पूनम सिंह, साध्वी त्रिपाठी, अनीता मिश्रा, अर्चना सिंह, नैन्सी श्रीवास्तव, रश्मि सिंह, ऋतु मिश्रा, ऋचा दुबे और शिखा करण सिंह मौजूद रहीं। ये सर, ये प्रोग्राम रूपाली जी ऑर्गेनाइज कराती हैं हमेशा। BWC वुमेन कॉन्टेस्ट है। ये लास्ट ईयर वेरी 2018 में फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। इससे हाउसवाइफ्स हैं और जो लेडीज़ हैं वो कहीं पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है, वो आकर के अपनी प्रस्तुति कर सकती हैं। और इससे काफ़ी हाउसवाइफ्स को फ़ायदा हुआ है और उन्होंने उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। ये रूपाली मैम, प्रोग्राम तो बहुत सारे मतलब जितने भी हैं संस्थाएँ कराती हैं, लेकिन इसमें यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। हाउसवाइफ्स को जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है हमारी सोसाइटी में। हाउसवाइफ को लोग कहते हैं अरे बच्चों के लिए खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। हु मतलब केयर्स फॉर अदर्स, वो किस कौन केयर करता है उन लेडीज़ की? तो रूपाली और रंजना मैम उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर ले करके आ रही हैं। दे आर डूइंग वेल, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। BWC एक 44,000 लेडीज़ का अपने आप में एक अनूठा ग्रुप है। 44,000 लेडीज़ को एक संग लेके चलते हुए इसको 6 साल हो गए हैं और इसमें हम लोग वीकली कॉन्टेस्ट रखते हैं, जिसमें भारत में होने वाले हर तरीके के प्रोग्राम, मतलब हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे इवेंट्स को लेकर के, या फिर हमारे घर के करवा चौथ को लेकर के, या डेली कोई भी छोटे बड़े जो हम लोगों के पर्व हैं उसके बारे में हम लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और उनसे रिलेटेड टास्क देते हैं और उसमें उनको परफॉर्म कराते हैं। ये हमारा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है जो कि लगातार निरंतर पिछले 6 साल से चल रहा है। मैं उस ग्रुप की एडमिन हूँ, तो मैं हर साल एक वार्षिक उत्सव करती हूँ। लखनऊ सिटी में मैं रहती हूँ, तो मैं एक एनुअल फंक्शन यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे जो लोकल मेंबर्स ऑफ BWC हैं और अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, उनको कलेक्ट करके एक ऐसा परफॉर्मेंस स्टेज पे करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, जिसमें वो अपने अंदर छुपी हुई बहुत सारी स्किल्स जो वो नज़रअंदाज करती हैं। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता, पर औरतें खुद को नज़रअंदाज सबसे पहले करती हैं, तो उसको उभारने की कोशिश करने का एक प्रयास है जो कि पिछले 3 साल से मेरी संस्था करती आ रही है और आगे भी इसको निरंतर करता रहा जाएगा। मैम, आपकी संस्था लखनऊ में है और कहीं भी है? मेरी संस्था उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ में, मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ और उत्तर प्रदेश में पूरी सारे उत्तर प्रदेश में काम करती है। मैं रंजना सिंह पार्थ फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। उद्गम वेलफेयर के साथ कोलाबोरेट करके महिलाओं के हिडन टैलेंट को उभारने के लिए BWC Season 2 प्रोग्राम किया जा रहा है। जो पार्थ फाउंडेशन, जिसकी मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ, मुस्लिम किड्स के ऊपर काम करता है, वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। हम लोग इस तरह के वुमन एम्पावरमेंट, वुमन ओरिएंटेड प्रोग्राम हर साल करते हैं। साल में 2 बार इस तरह से प्रोग्राम करते हैं और इसका यही मैसेज जाता है समाज में कि वुमन्स को उनकी प्रतिभा को निखारने का हर संभव प्रयास किया जाए। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।